गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंसेस लाइफ। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। सो आज की वीडियो में आप लोग से शेयर करने वाली हूँ अगेन बहुत ही ब्यूटीफुल सी कलेक्शन, और स्पेशली फेस्टिव सीजन के लिए स्पेशल होने वाली है आज की कलेक्शन। तो सो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ पे आपको इस तरह के हॉल वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। तो अगर आप लोग को हॉल वीडियोस देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि बिल्कुल आपके मतलब का है। एंड आप साथ ही मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है प्रिंसेस लाइफ 2020, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलें। और वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर भी करना। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फिर मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ड्रेस मेहरून कलर की। सो मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले। सो फर्स्टली जो मैंने ड्रेस परचेज की है मीशो से, इसका जो प्राइस है वो है 1274 रुपीज। एंड इसमें जो मैंने साइज परचेज किया है वो है एल साइज। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह की ड्रेस होने वाली है। एंड इसमें जो कलर मैंने पिक किया है वो मरून कलर की ड्रेस होने वाली है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। सो ये कुछ मरून कलर की ड्रेस है, तो मैं आपको ये खोल के दिखाती हूँ, ओपन करके दिखाती हूँ कि किस तरह की ड्रेस है ये। सो यहाँ पे ये आपको ऊपर वाला जो पार्ट है वो कुछ इस तरह का मिलता है। इसमें आपको गोल्डन कलर का थ्रेड वर्क मिलता है, थ्रेड वर्क इस तरह का गोल्डन कलर का मिलता है। एंड राउंड नेक मिलता है आपको, एंड बैक साइड पे भी आपको राउंड नेक मिलता है। एंड फ्रंट पे आपको ना ऐसा कुछ जिप मिलती है, तो आप इसको ओपन कर सकते हैं। और ये कुछ डिजाइन सा दिया हुआ है इन्होंने एक्चुअली जिपर का। एंड यहाँ पे आपको ना, यहाँ पे आपको कुछ इतना आपको कट मिलता है। एंड यहाँ पे आपको इस तरह का कट मिलता है, स्लिट मिलता है ड्रेस में। एंड ये आपको पूरा नीचे तक मिलता है इस तरह का। एंड इसके बात करें फैब्रिक की, तो ये आपको जॉर्जेट फैब्रिक में मिलता है। एंड यहाँ पे आपको राउंड नेक, बैक साइड पे भी राउंड नेक मिलता है एंड फ्रंट साइड पे भी राउंड नेक मिलता है। बात करें इसके स्लीव्स की, तो यहाँ पे आपको 1/4 स्लीव्स मिलती हैं जॉर्जेट फैब्रिक में। आप देख सकते हो कुछ इस तरह की स्लीव्स मिलती हैं आपको। एंड स्लीव्स पे आपको लाइनिंग का कपड़ा नहीं दिया हुआ है। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का गोल्डन कलर का वर्क किया हुआ है, जो कि बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। स्लीव्स थोड़ी सी ना ऐसा वर्क हो कॉर्नर पे तो थोड़ा अच्छा लुक लगता है स्लीव्स का। सो यहाँ पे जो आपको लाइनिंग दी हुई है, लाइनिंग आपको अगेन काफी सॉफ्ट से कपड़े में आपको लाइनिंग दी हुई है। एंड यह आपको इंटरलॉकिंग के साथ स्टिचिंग दी हुई है, आप देख सकते हो। तो लाइनिंग का कपड़ा मिलता है वो सिर्फ आपको यहाँ तक मिलता है, इस एरिया तक मिलता है। इसके नीचे आपको लाइनिंग का कपड़ा नहीं मिलता है। तो इसके नीचे आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल सा फ्लेयर है। एंड नीचे की तरफ आपको इस तरह से गोल्डन कलर की लेस मिलती है, आप देख सकते हो। तो ये काफी अच्छा लग रहा है, ये आपको पूरे ही किनारे पे मिलता है नीचे की तरफ। एंड तो ये मुझे ड्रेस ना थोड़ी सी डिफरेंट लगी एंड काफी स्टाइलिश भी लगी, तो मुझे लगा कि मुझे ट्राई करके देखनी चाहिए कि किस तरह की है ये, तो इसलिए मैंने परचेज कर लिया इसको। सो ये कुछ इस तरह की ड्रेस है, काफी सिंपल सी है एंड स्टाइलिश है, तो मुझे काफी अच्छा लगा। कलर भी इसका काफी अच्छा है। सो ये था इसका ऊपर वाला पार्ट। अब बात कर लेते हैं इसके बॉटम की। तो यहाँ पे आपको बॉटम में यहाँ पे इस तरह की आपको ये स्कर्ट मिलती है, सेम मैरून कलर की ही ये भी स्कर्ट है, आप देख सकते हो। तो इतना आपको फ्लेयर मिलता है, फ्लेयर काफी अच्छा है इसका। एंड ये भी आपको जॉर्जेट फैब्रिक में ही मिलती है। ऊपर की तरफ आपको ऐसे इलास्टिक दी हुई है, काफी अच्छी इलास्टिक दी हुई है। नीचे की तरफ आपको ना इसमें लाइनिंग मिलती है, जैसा आपको ऊपर वाले पार्ट में लाइनिंग थी सेम वैसा ही इसमें भी आपको लाइनिंग मिलती है। तो लाइनिंग इसमें भी काफी अच्छी है एंड विद इंटरलॉकिंग दी हुई है। ऐसे जो आपको बॉटम में कोई वर्क नहीं मिलता है, जस्ट ये प्लेन ही स्कर्ट है। एंड नीचे की तरफ आपको ना ऐसे बुकरम लगा रखा है, आप देख सकते हो। और ये पूरे ही आपको नीचे वाले पूरे घेर पे मिलता है इस तरह का। तो इसका फ्लेयर बहुत अच्छा, आप देख सकते हो कितना अच्छा फ्लेयर है। तो ये आपको कुछ इतना फ्लेयर मिलता है, फ्लेयर काफी अच्छा है इसका। और आप चाहें तो इसको और ड्रेसेस के साथ भी स्टाइल कर सकते हैं, क्योंकि ये प्लेन स्कर्ट है। तो आप चाहें तो आपके पास कोई सूट पड़ा है गोल्डन कलर का, उसके साथ स्टाइल कर सकते हैं। मतलब आपके साथ जो भी आपके पास पड़ा है और इसके साथ अच्छा मैच कर रहा है, तो आप इसके साथ ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। तो ये था इसका बॉटम का कपड़ा, मुझे ये ओवरऑल काफी अच्छा लगा। अकॉर्डिंग टू प्राइस पूरा आपको स्टिच मिलता है, काफी डिजाइनर सा पीस है, तो मुझे काफी अच्छा लगा अकॉर्डिंग टू प्राइस। तो अगर आप लोग इसको परचेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वैसे भी फेस्टिवल सीजन आ रहा है तो हर किसी को न्यू ड्रेसेस चाहिए, तो आप इसको बजट में है, काफी अच्छी ड्रेस है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो चलो मैं आपको ट्राई करके दिखाती हूँ कि पहनने के बाद ये कैसी लगने वाली है। तो
करके दिखा दिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि ड्रेस पहनने के बाद भी कैसी लगने वाली है। तो अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। सो अब बात करते हैं नेक्स्ट मैंने मीशो से क्या परचेज किया है। सो नेक्स्ट मैंने परचेज किया ये ब्यूटीफुल सा सूट, और ये काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है, और इस सूट के इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी। सो फर्स्टली मैं इसके प्राइस की बात करती हूँ और बताती हूँ आपको प्राइस इसका एंड इसका साइज जो मैंने परचेज किया वो बताती हूँ। सो गाइज मैंने इसमें जो मैंने साइज पिक किया है वो है फ्री साइज, इसमें फ्री साइज ही अवेलेबल है। तो अगर आप लोग भी परचेज करेंगे तो इसमें फ्री साइज मिलेगा, आप इसको अल्टर करवा सकते हैं। एंड इसमें इसका जो प्राइस है वो है 1794 रुपीज। तो आपको इतना हैवी इतना ब्यूटीफुल सा सूट जस्ट मिलेगा 1794 रुपीज में। तो फर्स्टली हम बात करें इसके कलर की, तो कलर बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये कलर वैसे ना इतनी जल्दी मिलता नहीं है, कि आपको कलर जो है ना ये सिर्फ डिजाइनर पीसीज में ही इस तरह के कलर्स मिलते हैं। तो आपको मैं साइड में मॉडल की फोटो दे दूंगी, तो उसमें आप देख लोगे कि मॉडल ने जैसा वेयर किया है एग्जैक्टली सेम वैसा ही आपको मिलेगा ये। सो मैंने इस तरह का शरारा सूट ना अपने लास्ट वीडियो में भी दिखाया था, आई थिंक वो मेरी स्टार्टिंग के वीडियोस में होगा। वो मैंने पिक किया था मैरून कलर का, और जब वो मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला था उस ड्रेस का, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी कि ये कहाँ से लिया आपने, कहाँ से लिया। और जब वो मैंने उनको कोड दिया था कि आप मैं ये कोड सर्च करके आप भी ले सकते हैं ये ड्रेस मीशो से, तो उस टाइम ये आउट ऑफ स्टॉक थी, और वो आई थिंक वो अभी तक आउट ऑफ स्टॉक है। तो वो भी बहुत ब्यूटीफुल कलर था, तो उसमें ही सेम वैसा सा ही है कुछ उस तरह की ही ये भी ड्रेस है। तो मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ शरारा सूट को। सो फर्स्टली हम बात करें इसके ऊपर वाले पार्ट की सूट की, तो हमें सूट जो मिलता है वो मिलता है ग्रीन कलर का, बहुत ही ब्यूटीफुल सा ग्रीन कलर है, मतलब ये मेरा फेवरेट कलर है ग्रीन कलर्स में। एंड यहाँ पे आपको राउंड नेक मिलता है, एंड बैक साइड पे भी आपको ये राउंड नेक मिलता है। एंड यहाँ पे आप देखोगे पूरे सूट में आपको मिरर वर्क मिलता है, एंड ये पेपर मिरर है, और ये आपको पूरे सूट में मिलता है, पूरे सूट में आप देख सकते हो। एंड नीचे की तरफ ना थोड़ा सा हैवी वर्क किया हुआ है बॉर्डर पे, तो जिससे कि ना लुक बहुत अच्छा आएगा, वैसे आपको देखने में लगेगा, देख ही सकते हो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये। एंड सेम ऐसा ही इतना ही वर्क आपको बैक साइड पे भी मिलता है, बहुत ब्यूटीफुल सा वर्क है, पूरे बैक साइड पे भी मिलता है। स्लीव्स पे भी आपको कुछ इस तरह का वर्क मिलता है, एंड स्लीव्स पे आपको लाइनिंग का कपड़ा नहीं मिलता है, आपको लाइनिंग का कपड़ा जस्ट स्लीव्स में नहीं मिलता, अदरवाइज आपको पूरे सूट पे लाइनिंग का कपड़ा मिलता है। तो फ्रंट एंड बैक दोनों साइड से आपको ना सेम ही मिलता है कुर्ता सेट, मतलब डिफरेंट नहीं है, सेम ही मिल रहा है आपको दोनों तरफ। और यहाँ पे आपको दुपट्टा मिलता है, दुपट्टा अगेन ग्रीन कलर का है, आप देख सकते हो इतना ब्यूटीफुल दुपट्टा है। कॉर्नर्स पे आपको इस तरह का वर्क मिलता है, एंड दुपट्टे की लेंथ एंड विड्थ बहुत अच्छी है, आप देख सकते हो बहुत अच्छी लेंथ एंड विड्थ है। तो यहाँ पे आपको इस तरह का दुपट्टा मिलता है, दुपट्टे पे वर्क काफी अच्छा है। तो ये वाला जो वर्क है ये आपको लेंथ वाली साइड मिलता है, इस साइड आपको ये वर्क नहीं मिलता है। सो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा दुपट्टा है, लेंथ एंड विड्थ काफी अच्छी है इसकी। तो ट्राई ऑन पार्ट में आप अच्छे से देख लेंगे, फिर आपको जो बॉटम का शरारा मिलता है ना मैं बता नहीं सकती, इसकी स्टिचिंग बहुत अमेजिंग है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह की इलास्टिक दी हुई है, एंड अगेन सेम वर्क जैसा आपको सूट पे मिल रहा था एग्जैक्टली सेम वर्क आपको यहाँ पे भी मिलता है बॉटम में, और यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का इतना अच्छा फ्लेयर मिलता है। एंड नीचे की तरफ आप देखोगे ना कुछ हैवी सा वर्क जैसा आपको सूट के नीचे की तरफ मिल रहा था, सेम वैसा ही आपको यहाँ पे मिलता है इतना हैवी वर्क। एंड देख सकते हो इसके फ्लेयर भी बहुत अच्छा है, मतलब पहनने के बाद तो ये अमेजिंग लगने वाला है। मैरिज फंक्शन में आप जाओगे ना कोई भी ये आइडिया नहीं लगा पाएगा कि जस्ट 1700 में है। यहाँ पे आपको लाइनिंग का कपड़ा मिलता है, वो भी बहुत सॉफ्ट है। तो ये ओवरऑल मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, और इसकी रिक्वेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा आ रही थी। सो आई होप गाइज आपको अच्छे से समझ आ गया होगा ये ड्रेस कैसी लगने वाली है। तो चलो मैं आपको ट्राई करके दिखाती हूँ। सो गाइस
गाइस मैंने आपको पहन के दिखा दिया शरारा सूट, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत अमेजिंग है। मतलब इतनी कम प्राइस में इतना हैवी वर्क और इतना ब्यूटीफुल सा वर्क आपको मिलता है, तो आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। ये आप किसी मैरिज फंक्शन में वेयर कर सकते हैं, वहां पे भी काफी हैवी लुक देगा और बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। करवा चौथ में ले सकते हैं, दिवाली में ले सकते हैं, या अपने स्पेशल हल्दी फंक्शन के लिए भी आप इसको ले सकते हो। हाँ, हल्दी फंक्शन में चल जाएगा, ग्रीन कलर ही है, अच्छा लगेगा उसमें भी, तो आप उसमें भी इसको ट्राई कर सकते हैं। तो बहुत ब्यूटीफुल सा शरारा सूट है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब ना मुझे, मैंने जो इसमें पिक किया था मैरून कलर, वो भी बहुत अच्छा था। मैंने देखा कि मीशो पे ना आपको शरारा सूट बहुत अच्छे मिलते हैं, मतलब उसकी क्वालिटी ही बहुत सुपर होती है एंड प्राइस भी बहुत कम होता है। तो आप मीशो से ना शरारा सूट जरूर ट्राई करें, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो गाइज मैंने आपको जो ट्राई करके दिखाया है तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि पहनने के बाद कैसा लगने वाला है। ये थोड़ा सा आपको अल्टर करवाना पड़ सकता है क्योंकि इसमें साइज एक ही अवेलेबल है, तो आप अपने साइज के अकॉर्डिंग अल्टर करवा सकते हैं। बॉटम आपको अल्टर करवाना नहीं पड़ेगा, जस्ट आपको सूट अल्टर करवाना पड़ेगा। तो वैसे तो मैंने ये पिक किया, मैंने पहना है, तो मुझे कोई इतना ज्यादा अल्टर नहीं करवाना पड़ेगा। तो ये एक्सएल और एल वालों को तो इजीली आ जाएगा, एम एंड एस वालों को ये अल्टर करवाना पड़ेगा। तो इसका कलर वर्क मुझे बहुत सुपर्ब लगा, तो आप इसका ट्राई कर सकते हैं क्योंकि मैं हाईली रेकमेंड करूंगी, मुझे बहुत अच्छा लगा ये सूट। और मैंने ये स्पेशली अपने करवा चौथ फंक्शन के लिए रखा है, मैं उसमें इसको वेयर करने वाली हूँ। सो ये था सूट, जो सेकंड सूट जो मैंने मीशो से परचेज किया है। एंड अब बात करते हैं, इसका कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, मुझसे काफी लोग ना पूछते हैं, वो वीडियो पूरी देखते नहीं है। तो कोड मैं सारी ही ड्रेसेस जो मैं आपको दिखाती हूँ उनका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं, कुछ वहां से आप कोड को सर्च करके परचेज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट मैंने मीशो से क्या परचेज किया है, नेक्स्ट मैंने मीशो से ना ये ड्रेस जो अभी वेयर की हुई है मैंने ये परचेज किया है। इसमें जो इसका जो प्राइस है वो है 548 रुपीज में, एंड इसमें जो मैंने साइज पिक किया है वो मैंने एम साइज पिक किया है। तो मुझे ऐसा ही होता है, मुझे ना कुछ साइज एम आ जाते हैं बहुत अच्छे से, कुछ मुझे एल आते हैं। तो अगर आप लोगों का भी ऐसा है कि एम और एल दोनों आ जाते हैं, तो अगर आपका भी साइज एल है तो आप एम परचेज करें, और अगर आप लोगों का एम है तो आप एस परचेज करें इस वाले ड्रेस में। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का स्वीट हार्ट नेक मिलता है, नीचे की तरफ आपको ना यहाँ पे कुछ इस तरह की डोरी मिलती है जिससे कि आप इसको टाइट कर सकते हैं, इस तरह का डिजाइन बना सकते हैं, या फिर आप इसको लूज भी कर सकते हैं। और इसके नीचे आपको लाइनिंग का, इसके नीचे आपको लाइनिंग का कपड़ा भी दिया हुआ है रेड कलर का, काफी अच्छी सी लाइनिंग है। यहाँ पे आपको जो स्लीव्स मिलती हैं वो कुछ इस तरह के बेल स्लीव्स कह सकते हो आप, हाँ बेल स्लीव्स मिलती हैं यहाँ पे आपको। तो ये काफी ब्यूटीफुल सी ड्रेस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह का आपको फ्लावर प्रिंट मिलता है, एंड जो इसकी लेंथ होने वाली है वो आपको कुछ आप देख सकते हो, मैं आपको ट्राई ऑन पार्ट में दिखा दूंगी, ये कुछ आपको नी लेंथ से थोड़ी सी ऊपर होने वाली है। मेरी हाइट 5'7" है तो उस अकॉर्डिंग मुझे इतनी आ रही है। अगर आपकी हाइट थोड़ी छोटी है, 5'5" है या 5'4" है, तो आपको ये नीज तक और नीज से नीचे आएगी। तो ये कुछ इस तरह की ड्रेस है, यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का फ्लेयर मिलता है, आप देख सकते हो कुछ इस तरह का आपको इतना फ्लेयर मिलता है, एंड काफी ब्यूटीफुल सी ड्रेस है, मुझे काफी अच्छी लगी अकॉर्डिंग टू प्राइस। तो आप अपने बर्थडे के लिए ले सकते हैं इसको, या फिर आप कहीं वेकेशन पे जा रहे हैं, जैसे कि अब विंटर्स आने वाले हैं, मोस्टली लोग दिसंबर या नवंबर में गोवा का प्लान करते हैं, तो गोवा के लिए भी ना काफी ब्यूटीफुल सी ड्रेस है, वहां पे कुछ इस तरह की ही ड्रेसेज अच्छी लगती हैं। तो आप कम बजट में अगर अपने गोवा की ड्रेसेस पिक करना चाहते हैं तो उसके लिए भी काफी अच्छी है, आप देख सकते हो। तो यहाँ मीशो पे भी ना आपको काफी अच्छी ड्रेसेस मिल जाती हैं और काफी कम प्राइस में, इस तरह की वेस्टर्न ड्रेसेस, तो आप वहां से ट्राई कर सकते हैं इस ड्रेस को। सो ये था लास्ट ड्रेस जो मैंने मीशो से परचेज किया है। सो गाइज ये थी लास्ट ड्रेस जो मैंने मीशो से परचेज किया है, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसका फैब्रिक काफी अच्छा है, ड्रेस काफी अच्छी है, प्राइस बहुत कम अच्छा है। तो कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं जिनका बजट कम है, या फिर जिनका कम बजट में उनको वेकेशन के लिए ड्रेसेस लेनी है, तो वो इस ड्रेस को डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, बहुत ब्यूटीफुल ड्रेस है एंड काफ़ी कंफर्टेबल भी है। तो मुझे ये ड्रेस काफ़ी अच्छी लगी और इसका कलर भी काफ़ी अच्छा है, तो अगर आप फोटोज़ वगैरह क्लिक करेंगे गोवा में या कहीं घूमने गए हैं तो बहुत अच्छी फोटोज़ भी आएंगे इसमें। सो गाइज ये था आज का हॉल, आई होप आपको अच्छे। सो गाइज आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी, और वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।